कानपुर में डीएवी इंटर कॉलेज में छात्रों के दो गुटों में मारपीट हो गई। हाई स्कूल का पेपर देने आए छात्रों में बेल्ट चली है। बीच सड़क छात्रों के बीच झगड़ा होता रहा। राहगीरों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। बाराबंकी जिले में आसमान छू रहे नींबू के भाव को लेकर सब्जी के दुकानदारों की बड़ी चिंता। 300 रुपए किलो तक बिक रहे हैं नींबू की, डंडा लेकर रखवाली करते दिखाई दे रहे हैं सब्जी विक्रेता। जबरन कम पैसे देकर नींबू उठाने वालों और चोरों से कर रहे हैं हिसाब हिफाजत। झांसी के बबीना टोल प्लाजा पर टोल फीस मांगना टोल कर्मचारी को महंगा पड़ गया। टोल मांगने के बाद दबंग बदमाशों ने गुस्से में टोल कर्मी से मारपीट की। बबीना पुलिस ने दर्ज किया है मामला। एक पार्टी के समर्थक बताए जा रहे हैं गुंडे। मथुरा में बलदेव रमन रेती के पास बस और मोटरसाइकिल की टक्कर हुई। बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हुए, अस्पताल में भर्ती कराया गया उन्हें। एक युवक की उपचार के दौरान मौत, दूसरे की हालत नाजुक। अधिकारियों कर्मचारियों को सीएम योगी के सख्त निर्देश। अधिकारियों कर्मचारियों को समय से कार्यालय आने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी कार्यालय में लंच टाइम आधे घंटे से ज्यादा ना हो। लंच के बाद समय से सभी कर्मचारी कार्यस्थल पर पहुंचे। यूपी को जल्द मिलेगी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात। सीएम योगी ने एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की तैयारियों के निर्देश दिए। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के काम में भी तेजी लाने के निर्देश। यूपी में बिना मान्यता के चल रहे नर्सिंग कॉलेजेस पर गिरेगी गाज। सीएम योगी ने बिना मान्यता वाले नर्सिंग कॉलेजेस पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। कई बिना मान्यता वाले नर्सिंग कॉलेजेस की मिली थी शिकायतें। मिर्जापुर में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने अचानक रोडवेज बस का निरीक्षण किया। इस दौरान परिवहन मंत्री बस के अंदर पहुंच गए और यात्रियों से हालात पूछे। हमीरपुर में गुटखा व्यापारी के ठिकानों पर जीएसटी टीम ने रेड मारी है। कानपुर और लखनऊ में भी जीएसटी टीम की रेड पड़ी है। सूत्रों के हवाले से खबर कि जीएसटी टीम को भारी मात्रा में कैश मिला है। पिछले 10 घंटे से ठिकाने पर चल रही है कार्रवाई। घर के किसी भी सदस्य के बाहर निकलने पर पाबंदी। मथुरा में अवैध कॉलोनीज पर चला प्रशासन का बुलडोजर। बुलडोजर से अवैध निर्माण तोड़ा। मथुरा विकास प्राधिकरण द्वारा कई बार नोटिस दिए जाने के बाद भी नहीं कराया गया था कॉलोनी का नियमितीकरण। नियमितीकरण न कराने के बाद की गई कार्यवाही। नजीबाबाद के समीपुर में बिना कागजों के अवैध रूप से जमीन पर प्लॉटिंग करने के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई की है। भूमाफियाओं के अवैध कब्जे पर चलाया है बुलडोजर। प्लॉटिंग की बाउंड्री को गिरा दिया गया। कासगंज की तहसील पटियाली के गंगा किनारे इलाके में 50 बीघा सरकारी जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। दबंगों ने कई गांव में सरकारी जमीन पर कर रखा था अवैध कब्जा। जमीन पर उगा दी थी गेहूं की फसल। एसडीएम ने बताया गेहूं की कटी हुई फसल की होगी नीलामी, आरोपी पर होगी कार्रवाई। बुलंदशहर विकास प्राधिकरण में गर्जा बुलडोजर। खेतलपुर भैसौली में 3 बीघा, खुर्जा रोड पर 7 बीघा और साथ ही नहर के पास लगभग 5 बीघा भूमि पर बनाई जा रही अवैध कॉलोनी को किया गया ध्वस्त। नोएडा के सेक्टर 40 में निजी स्कूल में फूटा कोरोना बम। 13 छात्र और 3 टीचर मिले कोरोना पॉजिटिव। स्कूलों में दहशत का माहौल। देशभर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 796 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 946 लोग डिस्चार्ज भी हुए। 19 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। कुल पॉजिटिविटी रेट 0.20% है। अब सिर्फ 10,889 एक्टिव केसेस हैं। अमेठी में हाई स्कूल का पेपर देने जा रहे छात्रों छात्र की गोली मारकर हत्या की गई। सुबह ही हथियारों ने छात्र को स्कूल आने पर जान से मारने की धमकी दी थी। 2 दिन पहले छात्र का दूसरे गांव के युवक से विवाद हुआ था। कानपुर में पुलिस ने इंजीनियरिंग स्टूडेंट को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। छात्रा से छेड़छाड़ और तेजाब के हमले की धमकी देने का आरोप है। छात्रा को अश्लील मैसेजेस भी भेज रहा था आरोपी। गोरखपुर में सोशल मीडिया पर तमंचा और रिवॉल्वर के साथ फोटो पोस्ट करना पड़ा महंगा। 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोनों के पास से देसी रिवॉल्वर, 2 तमंचे बरामद।
बलिया में एसटीएफ की संयुक्त टीम ने अवैध गांजे की एक बड़ी खेप पकड़ी है। डीसीएम गाड़ी से 194 किलो गांजा बरामद किया गया। डीसीएम ने गांजा लाद कर ले जा रहे 3 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कानपुर में पुलिस ने 2 दरोगा के बेटे की हत्या का खुलासा किया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। महिला से प्रेम प्रसंग के चलते बताया जा रहा है वारदात को दिया गया अंजाम। वारदात में इस्तेमाल शामिल स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद। कानपुर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 10वें लॉकर से भी 35 लाख के गहनों की चोरी हो गई। जांच के बीच नया मामला आया सामने, इससे हड़कंप। 5 लोगों से पुलिस की पूछताछ जारी। सेंट्रल बैंक का आरोपी मैनेजर रामप्रसाद ने किया सरेंडर। हरदोई के पाला थाना क्षेत्र में गुर्रा पुल के पास 2 बाइक की आमने सामने की भीषण टक्कर। हादसे में मासूम समेत 2 लोगों की जान गई। 4 घायल जिला अस्पताल में भर्ती हैं घायल। बदायूं में सड़क हादसे में युवक की मौत पर बवाल। परिजनों ने सड़क जाम कर पुलिस पर लग किया है पथराव। वजीरगंज एसओ के महिला से बदसलूकी करने पर भीड़ ने तोड़ दी उनकी गाड़ी। साइकिल सवार युवक को कैंटर ने रौंदा था। पौड़ी में परिवहन विभाग ने खनन कार्य में लगी 2 जेसीबी को सीज कर दिया है। दोनों जेसीबी की नंबर प्लेट में लिखे नंबर 1 ही थे। प्लेट फर्जी पाए जाने पर जेसीबी मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ग्रेटर नोएडा में डीएमआरसी से प्रभावित किसानों का प्रदर्शन। ट्रेन की पटरी पर लेटकर दिया धरना। किसानों के प्रदर्शन से ट्रेन यातायात प्रभावित। भारी पुलिस फोर्स मौके पर। दादरी के बोडा की गांव का मामला। एआईसीटीई ने सभी तकनीकी शिक्षण संस्थानों को लिखा है खत। यूक्रेन से वापस लौटे स्टूडेंट्स को खाली सीटों पर एडमिशन देने को कहा है। 20,000 के तकरीबन मेडिकल और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स यूक्रेन से लौटे हैं। पीएम मोदी ने सीएम योगी को दिया मिशन 2024 का मंत्र। सूत्रों से मिली जानकारी, भाजपा के संकल्प पत्र में शामिल वादों को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के निर्देश। महिला, युवा, दलित, पिछड़े, वोट बैंक को साधने के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने की बात। अमरनाथ यात्रा को लेकर केंद्र सरकार की तैयारियां तेज। 30 जून से शुरू हो रही है अमरनाथ यात्रा। 43 दिन तक चलेगी ये यात्रा। इस बार 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पर जाएंगे। कमजोर ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट के बीच घरेलू शेयर बाजार में मंगलवार को भी गिरावट आई। एक हफ्ते के दूसरे दिन मंगलवार को सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के भाव में आई तेजी। 135 रुपए की तेजी के साथ 52,645 रुपए पर पहुंचा 24 कैरेट का सोने का भाव। वहीं 478 रुपए की बढ़त के साथ 68,150 रुपए प्रति किलोग्राम पर चांदी। उर्फी जावेद के नए वीडियो के अंदर उन्होंने अपना नया लुक फैंस के साथ शेयर किया है। उर्फी की नई ड्रेस इतनी अनोखी है कि शायद ही आपने कभी ऐसी ड्रेस देखी होगी। उर्फी जावेद ने अब सेफ्टी पिन से ड्रेस बनाकर पहनी है, जिसे लेकर उर्फी एक बार फिर से यूजर्स के निशाने पर आ गई हैं और ट्रोल भी हो रही हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल इन दिनों अपने तस्वीर और वीडियोस को लेकर सुर्खियों में है। अमीषा ने आज एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। बिकनी में पोज करती नजर आ रही हैं। फिलहाल गदर एक प्रेम कथा 2 की शूटिंग में बिजी। संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर अपने बॉलीवुड डेब्यू से पहले ही फैशन डीवा बन चुकी हैं। शनाया ने हाल ही में अपने फ्रेंड्स के साथ 25वां बर्थडे सेलिब्रेट किया है, जहां दोस्तों संग शनाया पूल पार्टी में दिखी। तस्वीरें शनाया ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की। शनाया करण जौहर के प्रोडक्शन में बन रही अपकमिंग फिल्म में डेब्यू करने जा रही है। इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है। हॉलीवुड पॉप स्टार ब्रिटनी स्पीयर्स तीसरी बार मां बनने वाली हैं। सोमवार को अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस करके फैंस के साथ गुड न्यूज को शेयर किया। 40 साल की ब्रिटनी पहले से 2 बच्चों की मां है। अपने मंगेतर सैम के साथ सिंगर का ये पहला बेबी है।
पलक ने अपने इंस्टाग्राम पर हाल ही में कई तस्वीरें पोस्ट की हैं। तस्वीरों में पलक तिवारी चॉकलेट रंग की वन पीस ड्रेस में नजर आ रही हैं। पलक का लुक देखकर फैंस ने कहा बिजली का करंट हुआ।